गुड आफ्टरनून एंड वेलकम स्टूडेंट्स. मैं सेल्फ मिसेस ट्रेसिला गोंसाल्विस, मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ. देखो बच्चों, पहले हम अपनी हिंदी के बुक के बारे में जानकारी लेंगे. तो ये है हमारी हिंदी टेक्स्ट बुक जो हम इस साल यूज करने जा रहे हैं. देखिए, अपने टेक्स्ट बुक का नाम है बाल भारती कक्षा दूसरी. अभी देखेंगे इस टेक्स्ट बुक में क्या दिया गया है. तो चलते हैं पेज नंबर एक पर. ये कोई लेसन नंबर वन नहीं है, तो उसके पहले दिया गया ये पूर्वानुबहु है. यहां पे ऊपर लिखा है सुनो और बताओ. सुनना मीन्स टू लिसन, बताना मींस टू से, बताने का मतलब है बोलना. जब हम लोग सुनेंगे तभी हमें पता चलेगा, और जब हमें पता चलेगा तभी हम बताएंगे. यहां पे दिया है हम. हम यानी दो बच्चे कबीर और मीरा के बारे में बताया गया है. मीरा और कबीर दोनों भाई बहन हैं, और उनके परिवार के बारे में यहाँ बताया गया है कि उनके परिवार में कौन कौन लोग हैं. अभी देखो, ये हैं उनके माताजी और ये हैं उनके पिताजी. मीरा और कबीर के ये मम्मी डैडी है. यहाँ पर कबीर के साइड में जो है वो है उनके नाना जी और नानी जी. नाना जी का मतलब है मम्मी के पिताजी, माँ के पिताजी, और माँ की माताजी यानी नानी जी. नीचे चित्र है मामा और मामी. मामा हमारे मम्मी के, हमारे माता के भाई और उनकी बीवी. मम्मी के भाई को हम लोग मामा और उनकी बीवी को हम लोग मामी कहते. आगे है मौसाजी और मौसी जी. मौसाजी और मौसी जी मतलब मम्मी की बहन और उनके हस्बैंड, यानी हमारी मौसी जी और मौसाजी. मीरा की तरफ है दादाजी और दादी जी. दादाजी पिताजी के पिताजी को कहते हैं, और दादी जी पिताजी की माँ को कहते हैं. ये है चाचा जी और चाची जी. पिताजी के बहन को, भाई को चाचा जी कहते हैं, और चाचा जी की पत्नी है वो हमारी चाची जी है. बुआ और फूफा. बुआ यानी पिताजी की बहन, और फूफा जी यानी बुआ जी के पति. तो ये है मीरा और कबीर का परिवार. बच्चों, हमारा भी परिवार कुछ ऐसा ही रहता है. हमारे परिवार में माता पिता और नाना नानी, मामा मौसी, मामा मामी, मौसा मौसी, दादा दादी, चाचा चाची, बुआ फूफा, ये सब लोग रहते हैं, और हम उनसे बहुत प्यार करते हैं. हमारा परिवार हमें बहुत अच्छा लगता है. हम सब एक साथ आते हैं, मजा करते हैं, बातें करते हैं. हम लोग अपने परिवार के साथ खुश रहते हैं. देखो बच्चों, यहाँ से हमारा टेक्स्ट बुक का लेसन नंबर वन चालू होता है, और लेसन नंबर वन है अभिवादन करना. अभिवादन करने का मतलब है नमस्कार करना. लेकिन हर एक जगह पर नमस्कार या अभिवादन करने की, ग्रीट करने की प्रकार अलग अलग रहता है. यहाँ पर भी यहाँ दिया है कि चित्र वाचन, यानी ये जो चित्र है उस चित्र का वाचन करना, चित्र को रीड करना. हर एक चित्र से
हमें कुछ न कुछ बताया जाता है। देखो, समझो और बताओ। देखना मीन्स टू सी, समझना मीन्स टू अंडरस्टैंड और बताना मीन्स टू से। यहाँ पे चित्र दिया है हाथ जोड़ा हुआ। जब भी हम लोगों को प्रणाम करते हैं, एक दूसरों को नमस्कार करते हैं, तभी हम लोग हाथ जोड़ते हैं। पहले हम लोग चित्र का वाचन करेंगे और फिर उस चित्र से हमें क्या बताया गया है वो हम देखेंगे। पहले चित्र में हमें दिखाई देता है कि ये क्लासरूम है, कक्षा है। इसमें देखो, सब बच्चे यूनिफॉर्म में हैं। बच्चे खड़े होकर उन्होंने हाथ जोड़े हुए हैं और यहाँ गुरुजी भी खड़े हैं और बच्चों से बात कर रहे हैं। यहाँ पे एक लड़का एक औरत को नीचे बैठकर उनका पैर छू रहा है। एक छोटी लड़की एक खिलौने पे बैठ के खेल रही है। एक लड़का, बेबी बॉय, छोटा लड़का उस लड़की की ओर देख रहा है। शायद ये उसकी दीदी है, बड़ी बहन है। इस चित्र में दो लड़कियां एक दूसरों को हाथ से इशारा कर रही है, कुछ तो बता रही है। यहाँ दो लड़के एक दूसरों से गले मिले हैं। यहाँ पर एक लड़की और एक लड़का एक दूसरों के सामने हाथ जोड़कर खड़े हैं। यहाँ पर दो बच्चों ने एक दूसरों के हाथ पकड़े हैं। यहाँ दो लड़कियों ने एक दूसरों को शेक हैंड किया है। अभी यह है चित्र। इस चित्र में जो भी आपको दिया है वो आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन देखो इसका क्या मतलब है, हमें क्या इस लेसन से सिखाया है, ये लेसन हमें क्या बताना चाहता है, वो इस हम आगे जाकर पढ़ेंगे। देखो पेज नंबर 2 पर ये जो चित्र है उसमें